जाके, ठीक है। तो ये चीज़ से आप हैबत नहीं खा रहे, पब्लिक के सामने मुंह खोलने से हैबत नहीं खा रहे, पब्लिक को जो है बोल सक रहे हैं आप बात, तो एडवोकेसी फील्ड अच्छी है आपके लिए। अगर पब्लिक के सामने मुंह खोलने से हैबत होती आपको, और जो है पेपर इतने गड्डी पेपर आ रहते, कभी कभी एक दो पेपर बारीक पेपर आ रहना ज़रूरी नहीं है, मोटी मोटी गड्डी रहती कभी पेपरों की, वो पूरे स्टडी करना दिन भर रात भर बैठ के पढ़ के, वो छाओ वो पूरा मैटर जो है ये एक दो तीन चार सेक्शनों के अंदर आता बोल के बोल सकना। तो वो बोल सकने के लिए फिर इल्म कहाँ से आएंगा बोल, तो उसी के लिए LLB है। तो LLB करके उसमें जो है आपको ये सब चीज़ें मालूम होते रहते हैं, ठीक है। तो पहला भाई का जो सवाल था कि कैन लेडीज़ डू LLB एंड प्रैक्टिस, तो मेरा आंसर है यस, बिल्कुल कर सकते आप लोग भी जो है, जेंट्स भी LLB कर सकते, लेडीज़ भी कर सकते, जेंट्स भी प्रैक्टिस कर सकते, लेडीज़ भी प्रैक्टिस कर सकते, सिविल की भी कर सकते आप, क्रिमिनल की भी कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस भी कर सकते आप, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्ज़ाम लिख लिया आप। तो ड्रेस कोड का तो मैं आपके डाउट्स क्लैरिफाई कर दिया कि ड्रेस कोड का उतना मसला नहीं है, क्या बोलते, सो खाली आपका बैंड है, दो मोही टाई और कोट है, और गाउन बोल के एक चीज़ रहती, जो चीज़ें अगर आप आदमी हैं तो आपके पैंट और शर्ट के ऊपर पहनते, अगर आप औरत हैं तो आपकी साड़ी या शर्ट शलवार या जो भी कपड़े फॉर्मल में शुमार होते वो कपड़ों के ऊपर पहन सकते आप। और ये लॉ सेट के डेट्स और बुक्स के बारे में, हर साल जो है डिफरेंट डिफरेंट डेट्स रहते हैं, अब पैंडेमिक और कोरोना की वजह से पोस्टपोन्ड भी हो रही हैं, आगे पीछे भी हो रही हैं, तो डेट्स के बारे में मैं आप लोगों को उतना प्रॉपरली गाइड नहीं कर सकूंगा, क्योंकि आज जो डेट है वो कल नहीं रह रही, बाज़ वक़्त पोस्टपोन्ड हो जा रही, जो सिचुएशन है बीमारी का उस हिसाब से गवर्नमेंट आगे पीछे भी कर रही, और उसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर करना है तो एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन हो सकेंगे क्या, ऐसा कुछ तरीका निकलता होगा। और नेक्स्ट आई बात अटेंडेंस के बारे में, कि अगर लेडीज़ LLB करे तो बाज़ वक़्त मैरिड लेडीज़ रहे, बच्चे रहते, बच्चों को टेक केयर करने का रहता, और जो है दूसरे जिम्मेदारियां भी रहते, तो हम लोग कैसा मैनेज करना। तो अटेंडेंस के बारे में जो है, हम अंग्रेज़ों के ज़माने की कंट्री में नहीं रहे, ये हिंदुस्तान है, तो आप जो है जाके कुछ हद तक रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं, जैसा कि अगर आपके पास छोटे छोटे बच्चे हैं और आप LLB करना चाह रहे हैं, तो आप जाके प्रिंसिपल साहब या साहबा जो भी है उनके पास, आप और आपके हस्बैंड दोनों जाके रिक्वेस्ट कर सकते कि जो है प्रिंसिपल साहब हमारे बच्चे हैं, हमको उनको टेक केयर करने का रहता, लेकिन भी हम जो है पढ़ाई में इंटरेस्ट है हमारा और LLB करना चाह रहे हैं हम या LLM करना चाह रहे हैं, तो मैं गारंटी के साथ तो नहीं बोल सकता, लेकिन इंशाल्लाह प्रिंसिपल साहब या साहबा कुछ हद तक जहाँ तक रियायत कर सकते अटेंडेंस के मामले में इंशाल्लाह करेंगे। अगर मैं रहता प्रिंसिपल तो मैं तो करता था, और जनरली कोई भी इंसान रहा तो बच्चों को टेक केयर करना है, सो माँ अगर LLB कर रही तो कुछ रियायत तो उनके लिए बनती है। फिर उसके बाद जो है LLB के दौरान बुक्स के बारे में, ये जो है पब्लिक लेवल में नहीं बोलना चाह रहा था मैं, लेकिन बोल दे रहा हूँ क्योंकि भाई और भाभी को पहुँचाने का था। रेगा सूर्या राव बोल के एक ऑथर है, उसके बारीक बारीक बुक्स रहते हैं, ये बेर मिनिमम LLB की पढ़ाई के बारे में बात हो रही, जो बड़े बड़े बुक्स रहते हैं फेमस ऑथर्स के, वो पढ़ के भी आप इल्म हासिल कर सकते। इल्म एक समंदर के जैसा या एक बौली के जैसा रहता, आप बकेट जो है अंदर डाल के पानी जब निकालेंगे तो आपकी बकेट में जो कैपेसिटी है उतना ही पानी बाहर आता, तो हद से ज़्यादा भी डिटेल में पढ़ के जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। बाज़ लोग रहना डिटेल में पढ़ने वाले भी, इन डेप्थ पढ़ने वाले भी, बातों की तह तक जाने वाले भी, लेकिन बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ के भी पास कर सकते, बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ के भी जो है इंशाल्लाह प्रैक्टिस कर सकते आप लोग, वो चीज़ों के बारे में भी मैं बोलूँगा। तो पढ़ाई के लिए आप एग्ज़ाम पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं अगर, तो रेगा सूर्या राव बोल के एक ऑथर है, और आप हैदराबाद में अगर हैं और वहाँ से ले रहे हैं बुक्स, तो गेट नंबर 4 और गेट नंबर 6 ये दोनों के बीच में एशिया लॉ हाउस बोल के एक बुक शॉप है, वो बुक शॉप वाला मेरे वीडियो को स्पॉन्सर ने करा, मैं खुद वहाँ से लिया और मेरे सीनियर भी वहाँ से लिए, तो मेरे को गाइड करे थे वो लोग। गेट नंबर 6 और 4 के बीच में जो है कौन सी दुकान वाला, मैं एशिया लॉ हाउस, एशिया लॉ हाउस के अंदर जाइए, और रेगा सूर्या राव के सेमेस्टर वाइज कर दिए अब, तो हर सेमेस्टर के बुक्स ले लेना पड़ता आप, एक एक सेमेस्टर में मेरे ख्याल से 4 या 5 सब्जेक्ट कुछ है, तो हर 6 महीने के लिए आप 5 सब्जेक्ट लें, 100-150 के दरमियान रहता रेट भी, ऐसा कोई गैर ज़रूरी नहीं है,
बारीक बारीक बुकलेट्स रहते रहेगा सूर्या राव के, आप जो है पढ़िए। अलबत्ता एग्ज़ाम के ऐन वक्त पे नको पढ़िए, साल भर थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते रहिए तो इंशाल्लाह जो है फ़ायदेमंद रहता और इल्म भी हासिल होता। और रेगा सूर्या राव पढ़ के आप एग्ज़ाम्स क्लियर कर ले सकते। और फिर उसके बाद में जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो प्रैक्टिस के टाइम पे आपको ये सब्जेक्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस या हाई कोर्ट में करना चाह रहे हैं तवज्जो, तो कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक रहती, एक डिटेल वाली बुक मेरे पास है, मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। एक सेकंड आप लोग होल्ड करिए। हाँ जी भाई, ज़्यादा देर तो नहीं लगा दिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के बारे में बता रहा था आपको मैं। ये जो है बुक्स एडवोकेसी के या कोई भी बुक्स धूल धूल में हो जाते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा ये कराम है, जैसा ट्रांसपेरेंट शीट से कवर चढ़ाते बुक को, तो हर डायरेक्शन में उसको कवर आया सा चढ़ा के रख देता हूँ मैं, ताकि धूल धूल नहीं हो जाना बुक्स को। क्या आप लोग भी अगर पसंद आया आइडिया तो फॉलो करिए। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं बाद में, ये उसका क्या है टैग निकल रहा, डिटेल में अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो बाद में ये ले सकते हैं आप, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं, नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं तो। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये डिटेल वाली बुक है, ये ऑथर का नाम है, सॉरी पब्लिशर का नाम है ये, और पांडे, J.N. पांडे ऑथर है इसका, ये साइज़ है इसका। फिर उसके बाद ये आपको मैं बोला कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसके बाद है आपकी CPC, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, वो ये बेयर एक्ट्स की बुक है CPC की। फिर उसके बाद ये वाले में एक अच्छी चीज़ ये है कि ये 3-in-1 किताब है ये, इसके अंदर आपको स्टार्टिंग में जो है ये बुक्स को जो है कलर दिया, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक IPC है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक CRPC है, ये हो गया आपका IPC, इतना यहाँ से यहाँ तक IPC हो गया, यहाँ से यहाँ तक CRPC हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया। ये 3-in-1 किताब है, ये भी बहुत काम की चीज़ है। फिर उसके बाद आपके आपके पसंद के चीज़ें आप ले सकते हैं, जैसा कि एक आर्म्स का केस था हमारे एक सीनियर एडवोकेट साहब, क्या नाम उनका, मिर्ज़ा एजाज अली बेग मंथनी, करीमनगर साइड के थे उन्हों, तो उनका एक था ये आर्म्स का, एक सरपंच थे पुराने, उस सरपंच का जो है 10 साल पुराना आर्म्स लाइसेंस था, वो कैंसिल कर दिए थे लोकल पुलिस वाले, रिन्यू नहीं कर रहे थे, तो वो सिलसिले में जो है ये लेके जाके उस दिन रिप्रेजेंट कर रहे थे कोठाल नंबर 13 में, होम के उसमें। तो ये जो है सिमिलर बुक्स जो है जज के पास भी रखे हुए रहते टेबल पे, तो आप जब काइंडली सी पेज नंबर 73 बोल के बोले आप, आर्म्स रूल्स 2016, द मेक टाइप एंड कैलिबर ऑफ द फायर आर्म, आप पढ़ते रहते सेम टाइम पे, वहाँ पे जो है मुंशी साहब जज साहब को बुक निकाल के दे देते, उन्हों भी सेम पेज नंबर पे आके पढ़ लेते रहते। फिर आपके आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हो। और बुक सब ये एक मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में किताब है, तो ये डिटेल में आपका जो जो इंटरेस्ट है वो हिसाब से आप किताबें ले सकते पढ़ सकते। ये तो समंदर है, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, इल्म जो है एक बहुत बड़ी वो है। तो बेसिक बेसिक चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ, ये किताबें ले लेना बाद में। रेगा सूर्या राव जो है एग्ज़ाम पास होने के लिए और फिर बाद में पढ़ने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की पांडे साहब की बुक बताया मैं आपको, फिर उसके बाद CRPC, CPC, IPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, 1, 2, 3, 4, 5 आइटम हैं ये। 5 आइटमों के ऊपर अगर आप अच्छा ग्रिप जमा लिए तो इंशाल्लाह अच्छे एडवोकेट बन सकते हैं आप। फिर उसके बाद एक सवाल था जूनियर बनने के बारे में, तो इनिशियली तो अगर बने तो अच्छा रहता आप जूनियर, क्योंकि ऑलरेडी जो तौर तरीक़ा चल रहा वहाँ पे, तो उससे वाकिफियत हो जाते रहती आपको।
तो एक साल भर से लेके 3 साल तक अगर आप कहीं पे ज्वाइन कर लिए, आप एक जगह नहीं तो नहीं, 6 महीने कहीं करें, फिर 6 महीने कहीं करें, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के बारे में मालूमात हो जाते रहते हैं।